કેમ છો બધા મજામાં? ભાઈ લોગ આજ કી કહાની અક્કે યુટ્યુબ પે ના મિલેગી, મગર ઉસસે પહેલે ના કુછ ચીઝે ક્લિયર કરના માંગતા। દેખો ભાઈ લોગ, અપન સાલા એકદમ જ મોપટ બંદા હૈ, સચ બોલેગા ચાહે ફિર સામને કોઈ ભી હો। ઓર દૂજા, અપન કિસી ગેંગસ્ટર કા નહીં, ના હી કોઈ ગેંગસ્ટર અપના। અપના કામ હૈ કહાની કો લોગો તક પહોંચાના, ફિર વહ બંદા કોઈ ગેંગસ્ટર હો, પુલિસ વાલા હો યા ફિર મહાનિયોક્તા। हाँ, कई बार अपन से भी बोलने या दिखाने में गलतियाँ हो जाती है, क्योंकि अपन कोई महापुरुष तो है नहीं, गलतियाँ हो जाती है। और कभी कभी अपन का दिल भी गार्डन गार्डन हो जाता है, बिकॉज तुम लोग अपन की गलतियों को माफ भी कर दे रहे ले। बस भाई लोग, अपन को भी ऐसा ही भाईचारा चाहिए, अपना छोटा या बड़ा भाई समझकर प्यार देते रहने का। और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना अपना वीडियो देखने में मजा आ रहा है या नहीं। भाई लोग, आज की कहानी है बोले तो धाकड़ बंदों का इलाका, यानी हरियाणा की भूमि। हरियाणा का एक बंदा है जिसे बनना था फौजी, मगर मामा आज क्राइम की दुनिया में डंका बजा रहला, जिसके मत्थे ठोके गए 45 केस। पुलिस वाले डेड बॉडी को देखते ही पहचान जाते हैं कि इस बंदे को ठोकने वाला नरेश सेठी ही है। वहीं क्राइम की दुनिया के बादशाह बोले तो काला जठेरी को क्राइम की सारी ABCD भी नरेश सेठी ने पढ़ाए ली। तो भाई लोग, वीडियो को अंत तक देखने का, और अपना चैनल पे नया आएला तो चिरकुट जैसे सब्सक्राइब को ठोक देने का। नरेश सेठी का जन्म होएला साल 1986 में हरियाणा झज्जर के सिलानी गेट इलाके में। बचपन से ही उसने ख्वाब देखेला इंडियन आर्मी ज्वाइन कर बोले तो आतंकी लोग के पिछवाड़े से धुआं निकालने का, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल था 2005 का, नरेश आर्मी की तैयारी कर रहेला। मामू ने ग्राउंड में घंटों तक पसीना भी निकाल दिएला, मगर जहां नरेश प्रैक्टिस करता उधर ही एक बैंक में रोबरी हुई, जिसमें बेवजह नरेश का नाम आया, मामू को उठाकर डाल दिया जेल में। इस कांड ने नरेश के जमीर को हिलाकर रख डाला। साल 2007 में उसकी सेटिंग हुई तिहाड़ जेल में काला जठेड़ी से। दोनों की यारी जमी जेल में, नरेश ने काला को जेल ब्रेक करने का पैतरा चिपका दिया। साल 2008 में काला और जेठी दोनों बाहर आए। बाहर आते ही एंटी कोबड़ी वाले पंडरू की टोली बनाई। भाई लोग, अब शुरू होएगा भोकाल। अब अक्का गैंग निकल पड़ा खूनी खेल खेलने। साल 2011 में अपने छोकरे लोग के साथ मिलकर बहालगढ़ से 10 लाख की डकैती, वहीं महाराष्ट्र के लुधिया से एक बंदे को किडनैप कर 65 लाख की लूट। अब होएगा उसका सबसे बड़ा कांड, जिसके चलते अक्की पुलिस फोर्स मामू के पीछे लग गई थी। साल था 2012 का, पहले नरेश जेटी काला और उसके पंडर लोग ने एक ट्रक चुराया। अब वही ट्रक से पुलिस की चलती केदी वैन को ठपाक से टक्कर दी एली, उधर ही गोलियों की बौछार भी की। इस अक्खे कांड के चलते पुलिस फोर्स में हड़कंप मच गया। इसी बीच काला नरेश और अनिल चिप्पी का वह खेल तो चलता रहा, जैसे काला को जेल से भगाना फिर नरेश को भगाना, क्योंकि इस खेल के ये लोग पुराने खिलाड़ी थे। इसी तरह नरेश जेटी जेल जाता रहा, जेल में लॉरेंस जगू भगवानपुरिया से उसका याराना चलता रहा। 10 मार्च 2019 जज्जर निवासी धर्मेंद्र उर्फ केक्के को अपने पंडर लोग के जरिए लुड़का दिया गया। 6 फरवरी 2019 ITI बहादुरगढ़ के पास अजय उर्फ डंका को ठोक दिया गया। वहीं अप्रैल 2019 में 37 की हत्या। वहीं करोरा गांव में जय भगवान को 5 लाख की सुपारी लेकर मौत के घाट उतार दिया गया। अब वह कांड भी सुनना मंगता भाऊ, जिसने अक्खे हिंदुस्तान को हिला डाला था, यानी सलमान खान को ठोकने की साजिश। नरेश सेठी वही है जिसे सलमान खान को ठोकने का जिम्मा लॉरेंस ने सौंपा था। साल 2020 जनवरी महीने में नरेश सेठी बम्बई में रुका था और सलमान खान की रेकी भी की ली, ताकि जब वह साइकिलिंग के लिए निकले तो उड़ा दिया जाए। मगर अपनी इंडियन पुलिस फोर्स एकदम ही बोले तो बवंडर है। जब अपनी इंडियन पुलिस फोर्स वार करती है ना, तो फिर बड़े बड़े गैंगस्टर लोग के गुर्दे से धुआं निकल जाता है। इसी तरह सलमान को ठोकने का प्लान भी फोर्स ने फेल कर दिया। मगर भाई लोग, नरेश सेठी के बारे में कहा जाता है कि वह एक खूंखार अपराधी है, जिसने भी उससे पंगा लिया वह बेमौत मारा गया। कहा तो यह भी जाता है कि काला जठेरी के लिए नरेश सेठी कुछ भी कर सकता है। आज मामू तिहाड़ जेल में बैठेला। भाई लोग, यहाँ दी गई जानकारी गूगल से ली गई है। तो चलो भाई लोग, दुआ करते हैं आप और आपका फैमिली एकदम ही मस्त रहे, हैप्पी रहे। फालतू का कोई टेंशन नहीं लेने का, बिंदास जीने का, 4 दिन की जिंदगी है खूब जियो, और अपने भारतीय संविधान पर भरोसा करने का, क्रिमिनल नहीं बनने का। ठीक है, चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।